फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिपोई फार्मा का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसका एडमिट कार्ड निकल चुका है, साथ ही साथ उसमें कैसे आप डेमो एग्जाम दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी फार्मा वाला चैनल को नया विजिट किया है जरूर फार्मा वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली का डेली बेसिस में फॉलो रखने के फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। डेली बेसिस में जॉब अपडेट, डेली बेसिस में न्यू नोटिफिकेशन अपडेट एंड और कुछ फार्मा रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा joinindianarmy.nic.in। उसके बाद ही कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियल सिलेक्शन क्या होने वाला है वो दिखाएगा, यहाँ पर अग्निवीर के बारे में दिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ऑल करने के बाद ही आप यहाँ पर जो एडमिट कार्ड निकल गया है उसके बारे में देख पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको कैप्चा को पुट करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको वेबसाइट में एंटर करने के कैप्चा पुट करना होता है, वैसे ही यहाँ पर कैप्चा को पुट करने के बाद इंटर वेबसाइट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन के बारे में आप देख पाएंगे। यहाँ पर ही आपको लिंक फॉर द डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो इस वाले जो लिंक है उसको लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, इस तरह का सिलेक्शन करके सिलेक्ट करके आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है एंड इस कॉपी वाले लिंक को डायरेक्टली गूगल में जाके पेस्ट करना है एंड उसको में डायरेक्ट एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आप देख पाएंगे एंड आपका जो रोल नंबर है एंड जो लॉगिंग आईडी था और जो आपका पासवर्ड था वो डाल के आपको यहाँ पर लॉगिंग करके आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस लिंक को डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी इस लिंक का डायरेक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको डेमो क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो कैसे जान सकते हैं, कैसे आपको अटेंड करना है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम उसको कैसे जान पाएंगे उसके बारे में। तो उसके लिए आपको होम पेज पर आ जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके होम पेज पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर सर्कुलर IJCO एंड OR करके दिखा गया है, यहाँ इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने लोडिंग होकर आ जाएगा एंड इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा एंड यहाँ पर ही आपको आपका जो पोस्ट है मतलब आपका जो सिपोई फार्मा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप ओपन हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन आंसर किस तरह का रहने वाला है मतलब किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है मतलब कैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सिलेक्ट होकर रहेगा, यहाँ पर आपका लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मार्क करके दिया गया है कौन सा किस तरह का है, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो यहाँ पर ब्लैंक वाइट करके रखेगा एंड आपका कोई भी क्वेश्चन विजिट कर लेते हो बट आंसर नहीं करते तो उसमें रेड रहेगा, आप आंसर कर चुके हो तो उसमें ग्रीन एंड आप कुछ क्वेश्चन को आपका मन में डाउट है तो उसको आप मार्क करके रख सकते हैं जिसके लिए आपको वायलेट एंड आप क्वेश्चन अटेंड कर लिया हो एंड उसको भी मार्क करके रखना चाहते हो तो उसके लिए वायलेट के साथ ग्रीन का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपका डिक्लेरेशन बटन को क्लिक करने के बाद आपको इंटर कर लेना है डिक्लेरेशन बटन को क्लिक करके एंड इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, फार्मेसी वन एंड फार्मेसी टू, ये चार तो पेपर अपने को रहने वाला है। यहाँ पर ऊपर में टाइम लेट करके पूरा टाइम को कैलकुलेट हो रहा है एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपका स्कोर देख सकते हैं, मतलब कैसे आपका यहाँ पर स्कोरिंग पार क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स करके है एंड आपका नेगेटिव मार्किंग करने पर 0.5 करके आपका क्वेश्चन को रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ तो इसमें ग्रीन मार्किंग आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहा हूँ विजिट कर लिया हो तो उसमें आपको रेड मार्किंग करके है एंड कोई भी क्वेश्चन को आप कर लिया हो बट मार्क करके रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वायलेट एंड ग्रीन करके बटन है एंड कोई भी क्वेश्चन को मार्क करके बाद में चेक करना चाहते हो तो इसके लिए पूरा वायलेट बटन है। तो अच्छी तरीके से आपको पूरा डिटेल्स को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड आप यहाँ से पूरा को चेक कर सकते हैं एंड आपका प्रिपरेशन को अच्छे से कैसे आपको अटेंड करना है क्वेश्चन एंड कैसे आपको आंसर करना है उसके बारे में आप डिटेल्स में यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए फार्मा हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल करने के लिए कोई भी जॉब अपडेट हो कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो उसको डायरेक्टली अवेल करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए
नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पा सकते। तो आज के लिए इतना था कि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्म आवर्स। फार्म आवर्स के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।